नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर के विजयनगर इलाके में एक व्यापारी पर गर्म तेल उड़ेलने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है, जबकि उनका तीसरा साथी फरार है और उनके खिलाफ जानलेवा हमले का केस पुलिस ने दर्ज किया है। गौरतलब है कि चाइनीज व्यापारी ने आरोपियों से पैसे मांगे तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया। विजयनगर पुलिस के अनुसार घायल कारोबारी मुकेश जैन है और संजय जोशी, जो कि सत्य विहार कॉलोनी और राहुल और सुपारी पिता मोहन सिसोदिया, जो कि मेघदूत नगर, और तीसरा नमन पवार के खिलाफ केस दर्ज कराया है, जिसमें ऋषभ और राहुल को पुलिस ने मेघदूत गार्डन सर्विस रोड पर फरियादी मुकेश जैन की चाइनीज के नाम से दुकान है, आरोपी वहां पहुंचे और उन्होंने नाश्ता किया, बाद में पैसे लेकर विवाद हुआ तो आरोपियों ने कढ़ाई में गर्म तेल मुकेश पर डालकर फरार हो गए। इसके बाद घायल फरियादी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं पुलिस ने सूचना मिलने के बाद दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। कल दिनांक को फरियादी आकाश जैन के भाई मुकेश जैन की दुकान, जो कि मेघदूत चाट चौपाटी पर है, वहाँ पर उसका कुछ लोगों से विवाद हुआ था। उसमें आरोपी ऋषभ जोशी, राहुल बारी, नमन पवार, इनने उसके साथ मुकेश के साथ गाली गुप्ता करी, उसके बाद जान से मारने की नीयत से खोलता तेल उसके ऊपर डाल दिया है। वो भी ने अरविंद अस्पताल में भर्ती, उसके भाई ने शाम को आज दिनांक के शाम को पुलिस थाने पे रिपोर्ट करी थी। उसकी रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। धारा 307, 294 के अंदर पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। अभी ऋषभ जो दोषी और राहुल बारी को पकड़ कर पूछताछ की जा रही है। अभी आरोपी नमन पवार अभी फरार है। क्या कारण रहा सर इनका विवाद का, कुछ जानकारी? अभी तक की विवेचना में तात्कालिक कारण आया कि दुकान पर गाली गलौज हुई थी, विवाद हुई थी, बाकी इस प्रकरण में और विवेचना की जा रही है। किस चीज की इसकी सौंप दी है जो फरियादी है? स्नैक्स की दुकान थी इसकी, अभी चाट चौपाटी पे नूडल्स, चाउमीन। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। आई प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।